यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मोहर के बाद सीएम मनोहर लाल के मीडिया एडवाइजर राजीव जैन को भी लोकसभा देखरेख कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है और ये कमेटी एक तरह से पार्टी के कोर ग्रुप की तरह ही काम करेगी। यही नहीं, कमेटी में पिछड़ा वर्ग के नेता रामचंद्र जांगड़ा के अलावा 3 महामंत्रियों को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। लोकसभा देखरेख कमेटी की पहली बैठक 22 जून को नई दिल्ली में अमित शाह की अध्यक्षता में हो चुकी है और प्रदेश सरकार और इसके मंत्रियों के कामकाज से नाखुश शाह ने अब मंत्रियों को दिए गए टारगेट का फॉलो अप करने का जिम्मा हरियाणा मामलों के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन को सौंपा है। जैन ने 30 जून को कमेटी की बैठक बुलाई और इस कमेटी का गठन लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए किया गया है। वहीं कमेटी में अनिल जैन के अलावा सीएम मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट, तीनों केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्ण पाल गुर्जर भी शामिल हैं। वहीं शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इसके सदस्य हैं। कमेटी में सांसद रतनलाल कटारिया को भी शामिल किया गया है। वहीं अब कमेटी में 5 नए चेहरे भी लाए गए हैं। तो राजीव जैन की तरफ से कमेटी बुलाई गई, लोकसभा देखरेख कमेटी की बैठक हुई है। कोर कमेटी की तरह ही, कोर ग्रुप की तरह ही ये कमेटी काम करेगी और राजीव जैन की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है। 30 जून को अब बैठक होगी और आपको बता दें कि इसमें 5 नए सदस्यों को भी जगह दी गई है। तो लोकसभा देखरेख कमेटी की बैठक हुई और इसमें 5 नए सदस्यों को जगह दी गई है।